दोस्तों मैं भी विकास कोहली आप YouTube पर लेके आया हूँ टेनिस के रिगार्डिंग वीडियो। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जाके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि सारी अपडेट्स जल्दी मिल जाए। दोस्तों जैसे कि पता है कि मेरे चैनल में टेनिस के रिगार्डिंग वीडियोज आती है तो ओलंपिक्स में टेनिस एक प्रतियोगिता होती है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का शुरू हो गया है। और 2020 इसलिए बोला गया क्योंकि ये पिछले साल का ओलंपिक्स है, ओलंपिक 2021 बोल लो या 2020 बोल लो, बट ये पिछले साल का ओलंपिक्स है तो इसलिए टोक्यो 2020 बोला जाता है। जापान में ये टूर्नामेंट हो रही है और जो टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी नोआमी ओसाका जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उन्होंने मशाल जलाई थी आज। तो काफी बड़ा दिन है टेनिस वालों के लिए कि टेनिस के प्लेयर कोई गया था, और इंडिया में भी ये काफी दिन बड़ा है आज टेनिस के रिगार्डिंग कि इंडिया का कोई प्लेयर सेकंड राउंड तक गया है। दोस्तों बढ़ते हैं पहले मैच के ऊपर। पहला मैच था जोकोविच का मैच था। जोकोविच अपना गोल्डन स्लैम करना चाहते हैं, गोल्डन ईयर बनाना चाहते हैं ये वाला साल। ये सिर्फ अभी तक कोई प्लेयर नहीं कर पाया है, सिर्फ एक एट ही कर पाया है और वो है वुमन प्लेयर है स्टेफी ग्राफी। उन्होंने 1998 किया था अपना, 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे, ओलंपिक मेडल जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ओलंपिक मेडल, चारों के चारों मेडल जीतना और साथ में ओलंपिक जीतना कोई खाला जीता कर नहीं है। और जोकोविच ने खुद ही बोला था कि ऐसा बिलीव करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट इस साल मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है, रियलाइज कर रहा है। और जोकोविच ने ये एक थोड़ा सा फायदा ओवर है जोकोविच को, क्या जो बाकी टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होता है उसमें राउंड ऑफ 128 होता है और इसमें राउंड ऑफ 64 है। तो पहला वो जो लक्ष्य है वो पार कर चुके हैं। पहला आज उनका मैच था हुगर के साथ और उन्होंने आराम से वाला मैच जीत लिया है। पहला मैच उन्होंने 6-2 से जीत लिया कंफर्टेबली। दोस्तों जो अब नंबर 2 सीड प्लेयर थे डैनियल मेडवेड रशिया को ओलंपिक्स में आरओसी बोला जा रहा है, तो जहां भी आरओसी देखे तो वो रशिया का एथलीट हो रहा है, ये याद रखिए दोस्तों। तो रशिया का आज खिलाड़ी खेल रहे थे डैनियल मेडवेड का भी मैच था और डैनियल मेडवेड ने भी विद इन स्ट्रेट 2 सेट्स में जीत गया। उनका मैच था बबली के साथ, उन्होंने भी दो सेट्स में ही जीत गए मैच और दो सेट्स में उन्होंने कंफर्टेबली जीते। लास्ट सेट में थोड़ा हुआ टाई ब्रेकर था और शुरू में जो सेट्स हुए तो लग रहा था कि बबली ज्यादा हैवी लग रहे हैं। बबली शुरू में 3 लव था बबली का, फिर मेडवेड ने अच्छी वापसी की और सेकेंड सेट में मेडवेड अच्छे थे, फिर बबली ने अच्छी वापसी की बट सेट ब्रेकर में जीत नहीं पाए। दोस्तों तीसरा मैच था सुमित नंडल का, जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका मैच था डोमिनिक स्टोमिन के खिलाफ। आज सुमित नंडल ने इतिहास रच दिया, उन्होंने पहली बार फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स में। पिछले साल भी उन्होंने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट लिया था और इंडिया के वो दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले 1996 में ऐसा हुआ था कि इंडिया कोई खिलाड़ी सेकेंड राउंड तक गया था ओलंपिक्स में। अब सुमित नंडल का मैच होगा नंबर 2 सीड प्लेयर डैनियल मेडवेड के खिलाफ, उनके खिलाफ जीतना सुमित नंडल के लिए लगभग नामुश्किल है, बट हु नोस, कभी कभी किसी का दिन होता है और कोई छा जाता है। और दोस्तों अभी अभी जस्ट मैच फिनिश हुआ है, वो हुआ है मैरिन चिलीज का वर्सेस पियोस के साथ। दोस्तों मैरिन चिलीज का जो मैच हुआ वो एकदम रोमांचक से उल्टा बड़ा, उतार चढ़ाव सब कुछ उसमें देखने मिल सकता है। पहले मैरिन चिलीज बहुत बढ़िया प्लेयर है, ग्रैंड स्लैम विनर भी जीत चुके हैं। मैरिन चिलीज पहला सेट वो हार गया आराम से पियोस से, दूसरा सेट में उन्होंने जबरदस्ती वापसी की और उन्होंने दूसरा सेट जीता 7-5 से। थर्ड सेट में वो 5 लव था और साथ में जो 6 गेम थी उसमें 40 लव था, उनके पास इतना मोटा था गेम जीतने का और बैटल सेट करने का ओलंपिक्स में, बट पियोस ने बहुत जबरदस्त वापसी की और मैरिन चिलीज के उन्होंने लगभग पूरे 10 मैच पॉइंट सेव किए बट 11वां मैच पॉइंट सेव नहीं कर पाए पियोस और मैरिन चिलीज आराम से जीत गए। मैरिन चिलीज के पास 10 मैच पॉइंट थे और एक बट ऐसा भी आ गया था कि उन्हें मैच पॉइंट सेव करना पड़ा, तो ये मैच काफी उतार चढ़ाव बढ़ा गया बट इन द एंड मैरिन चिलीज जीत गए और मैरिन चिलीज हो गए हैं सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई। दोस्तों कल भी मिलूंगा इसी तरह टेनिस से रिगार्डिंग जो भी मैचेस हुए उनकी अपडेट्स लेके। दोस्तों और साथ में एक रोमांचक बात बताना भूल गया और वो है एंडी मुरे का कल मैच है, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और ब्रिटेन के लिए बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं क्योंकि जब जब वो आए हैं तब तक गोल्ड लेके आए हैं, तो इस बार क्या गोल्ड लाएंगे जब जोकोविच लेंगे गोल्ड, ये बहुत बड़ी दुविधा है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों दूसरा मैच कल है
और मुरे के लिए वो पहला मैच है दूसरे दिन का। अब देखते हैं मुरे क्या कर सकते हैं, लग तो रहा है मुरे भी थोड़ा क्वार्टर फाइनल तक तो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद दोस्तों।